मेरी प्रेगनेंसी किट में फेंट लाइन क्यों आई? जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया था कि मैंने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया था 2 दिन पहले या फिर जिस दिन मेरी पीरियड मिस हुई थी, मैंने आप सबसे शेयर किया था किट कि मुझे जो है उसमें फेंट लाइन आई थी। जो मैंने 2 दिन पहले पीरियड मिस होने के 2 दिन पहले चेक किया था उसमें भी फेंट लाइन थी, और जिस दिन मेरी पीरियड मिस हुई उस दिन मैंने चेक किया तो उस दिन भी सेकंड लाइन जो है थोड़ी सी फेंट लाइन ही आई। जो 2 दिन पहले किया था उससे थोड़ी हल्की डार्क थी, लेकिन जो है प्रॉपर डार्क नहीं हुई थी। तो फेंट लाइन, किट में फेंट लाइन आने का क्या रीजन होता है, किस वजह से जो है आपको फेंट लाइन देखने को मिलता है? आप प्रेग्नेंट होते हो फिर भी आपको फेंट लाइन क्यों आता है, और आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो फिर भी जो है आपको हल्की लाइन क्यों आती है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसी जो टॉपिक में मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको फेंट लाइन क्यों आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले मैं अपना केस आपसे शेयर करती हूँ कि जब मेरी पीरियड मिस होने के 2 दिन पहले मैंने चेक किया, ये चेक करने के लिए मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो मुझे जो है 2 दिन पहले पीरियड मिस भी नहीं हुई थी, 2 दिन पहले मुझे फेंट लाइन देखने को मिली। बट वो फेंट लाइन इतनी भी हल्की नहीं थी कि जो है समझ में नहीं आई कि कोई लाइन है या नहीं है। वो लाइन दिख रही थी, लेकिन यही एक रीजन था कि दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि हल्की लाइन क्यों आई। अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर नहीं हूं तो निगेटिव आना चाहिए, लेकिन हल्की लाइन का क्या मतलब होता है? वही मैंने पीरियड मिस जिस दिन हुआ उस दिन चेक किया तो उस दिन भी जो है हल्की लाइन ही मुझे जो है शो हुई थी। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? पहली बात ये कि जब आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन आपका पीरियड मिस भी नहीं हुआ होता है, उसके पहले अगर आप चेक करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है एससीजी का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता है, जिस वजह से जो है आपका किट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आपका किट जो है कैसे डिटेक्ट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है? वो उसे डिटेक्ट करने का ये तरीका होता है कि आप जब अपनी यूरिन फर्स्ट यूरिन से जब चेक करते हो तो आपके यूरिन में अगर एसिडिटी का लेवल हाई मिलता है तो किट जो है प्रॉपरली आपको जो है डिटेक्ट करके पॉजिटिव शो कर देता है। लेकिन वही अगर आपके किट में आपके जो यूरिन में अगर एसिडिटी का लेवल लो मिलता है तो किट जो है प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है और हल्की लाइन शो कर देता है, और अगर आपके यूरिन में बहुत लो मिलता है एसिडिटी का लेवल तो जो है आपको निगेटिव शो कर देता है। तो जब आप अपनी पीरियड मिस भी नहीं होती उसके पहले चेक करते हो तो आपकी बॉडी में जो है एसिडिटी का लेवल इतना बढ़ा नहीं होता है, जिस वजह से आपका किट प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपको जो है हल्की लाइन दिखा देता है। और जब मैंने पीरियड मिस होने के बाद चेक किया तो क्या हुआ, जो 2 दिन पहले मैंने चेक किया था उससे थोड़ा डार्क लाइन था, लेकिन अभी भी जो है 2 लाइन डार्क पूरे पूरे सेम डार्क नहीं हुए थे। इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि बॉडी में जो है धीरे धीरे एसिडिटी का लेवल बढ़ रहा है। जो मैंने पीरियड मिस होने के बाद चेक किया तो उसमें पहले से जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था, थोड़ा कलर जो है डार्क हुआ था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दिन जाएगा तो आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ता रहेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपकी जो है हेल्दी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है तो उसी केस में जो है आपका जो है लाइन और डार्क होता रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है एसिडिटी का लेवल बढ़ रहा है। अब ये बात करते हैं कि और क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से जो है आपको किट में जो है हल्की लाइन शो होती है, फेंट लाइन आने का क्या क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है कि आप जो किट यूज कर रहे हैं वो किट जो है एक्सपायर्ड हो, वो किट जो है एक्सपायर्ड हो गया हो, जिस वजह से जो है आपको गलत रिजल्ट बता रहा है। बहुत टाइम क्या होता है, हम किट के पीछे का एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं और जो है वो किट खराब होता है, जिस वजह से जो है आपको गलत रिजल्ट शो हो जाता है। दूसरी बात ये क्या होती है कि जब आप मान लीजिए प्रेगनेंसी के लिए जब आप ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है आप में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, आप बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं। आपकी पीरियड मिस भी नहीं होती है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे कि मैंने चेक किया, जिस वजह से मुझे जो है कन्फ्यूजन हुआ, मुझे हल्की लाइन आई और मैं कन्फ्यूज हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूं या फिर नहीं हूं। तो ये एक रीजन होता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि किसी तरीके का आपका कोई मेडिकेशन चल रहा हो, कोई मान लीजिए आप जो है प्रेगनेंसी के लिए किसी तरीके का कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किस एसजी का मतलब हार्मोन्स बढ़ाने के लिए एसजी का कोई मेडिसिन चल रहा है, या फिर आपको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो आपको जो है फेंट लाइन आ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एसजी का लेवल जो है इसको मिल जाता है थोड़ा बहुत, इसके वजह से जो है किट थोड़ा ट्रैक कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और आपको जो है फेंट लाइन शो हो जाता है, हल्की लाइन शो हो जाती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है?
कि जब मान लीजिए आपकी जो प्रेगनेंसी है ना वो आपके यूट्रस में नहीं होती है, आपकी प्रेगनेंसी जो है फिलोपियन ट्यूब में हो जाती है। मान लीजिए जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन से होने के बाद क्या होता है कि आपकी जो वो जायगोट जो बनता है, आपको जो फिलोपियन ट्यूब से जो आपका फर्टिलाइज एग होता है उसे फिलोपियन ट्यूब से होते हुए जो है आपके यूट्रस के लाइन पे आके चिपकना चाहिए। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि यूट्रस के पास वो पहुंचता ही नहीं है, वो ट्यूब में ही जो है बढ़ने लग जाता है, ट्यूब में जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने लग जाती है। लेकिन ट्यूब में जो है आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ नहीं सकती है। उसे हम क्या कहते हैं कि वो जो प्रेगनेंसी है प्रॉपर यूट्रस में नहीं होगी, ट्यूब में है, जिस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है और कभी ना कभी कुछ टाइम बाद ही जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस टाइम पे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी है, इसके वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत एसजी आपके बॉडी में बढ़ता है और आपको जो है किट बताता है कि आपको हल्की लाइन आई है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी तो है लेकिन प्रेगनेंसी जो है प्रॉपर जगह नहीं है, गलत जगह आपकी कंसीव हुई है। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि आपको हल्की लाइन ही शो होती है, आपकी लाइन जो है डार्क नहीं हो पाती है। तो अगर आपको ऐसा कभी भी पता चले, आप चेक कर रहे हो तो आपको फेंट लाइन ही आ रही है, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हो सकता है किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में हो जाए। तो बिल्कुल भी वेट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपकी मान लीजिए आपकी जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई थी, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, आपको दोनों लाइन डार्क देखने को भी मिला था, लेकिन कुछ दिन बाद आपको क्या पता चलता है कि आपको जो है वापस से चेक करते हो आपको हल्की लाइन आती है। तो क्या होता है कि बहुत टाइम आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आने के बाद भी क्या होता है कि किसी कॉम्प्लिकेशन के वजह से जो है आपका मिस अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है अगर आपकी मान लीजिए मिस अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया किसी भी वजह से, आपकी खुद की गलती के वजह से या फिर नेचुरल हो जाता है, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है एसजी का लेवल धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो जब धीरे धीरे घटने लग जाता है तो भले ही आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई थी तो क्या होता है कि आपकी जो लाइन है हल्की हो जाती है, क्योंकि एसजी का लेवल जो है कम होने लग जाता है, जिस वजह से किड उसे प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक वजह होता है। नेक्स्ट हो सकता है कि केमिकल प्रेगनेंसी है। केमिकल प्रेगनेंसी भी यही है कि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती है, किसी तरीके का एक केमिकल प्रेगनेंसी होता है जिस वजह से जो है वो प्रेगनेंसी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, और उस इसलिए हो सकता है कि बहुत टाइम आपको जो है फेंट लाइन हल्की लाइन देखने को मिले, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपकी आगे नहीं बढ़ सकती है, वो अपने आप ही जो है टर्मिनेट हो जाती है, कुछ दिन बाद जो है आपकी पीरियड मिस हो सकती है, फिर कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपको पीरियड आ जाए और टर्मिनेट हो जाए। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि आपको जो है फेंट लाइन इसलिए आता है, क्योंकि ये सारे वजह होते हैं। तो इसके लिए आपको ये सारे रीजन जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आपको पीरियड मिस होने के पहले ही हल्की लाइन आ जाती है, उसके बाद लाइन थोड़ी थोड़ी आप चेक करते हो कुछ दिन बाद बाद डार्क होती है, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी है, ऑब्वियसली आपकी प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो है धीरे धीरे आपके बॉडी में एसजी लेवल बढ़ने की वजह से जो है आपका किट प्रॉपरली दिन दिन जो है उसे डिटेक्ट कर पा रहा है, डे बाय डे जो है आपके बॉडी में एसजी का लेवल बढ़ रहा है। और जैसे ही आपको पता चले कि आपकी जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन आपका पहले हुआ हो या फिर पहले कोई किसी तरीके का मिसकैरेज हुआ हो, तो हो सकता है कि इस प्रेगनेंसी में किसी तरीके का खतरा हो सकता है, इस वजह से आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि डॉक्टर जो है प्रॉपर आपका मेडिकेशन स्टार्ट कर सके और जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं उस तरीके के मेडिसिन आपको दे सके। इसके लिए जो है आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, आपको कुछ जो है समझ में आया हो, सीखने को मिला हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।